गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये देखिए जी, कुछ झूला मेरा इस तरह से हो जाता है सुबह सुबह। तो चलिए जी, अब मैं फ्रेश होकर नाश्ता वाश्ता करके फिर मिलती हूँ आपसे। आज जो है मुझे बैंक भी जाना है, बहुत सारे काम हैं, तो आज सारे काम निपटा के आते हैं बैंक वाले ना। क्या बताऊँ इनका, मैं बाद में आपको बताऊँगी। चलो तो होके आती हूँ। जी नहा लिया मैंने, चेंज कर लिया। अभी मैंने सर क्यों मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी हेयर केयर शेयर करूं, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं अपनी जो हेयर केयर कर ली। गिले बाल हैं तो मैंने सोचा क्यों मैं आप लोगों से शेयर करूं, जो है कि मैंने आज कल कंडीशनर जो है स्किप किया है, क्योंकि लड़कियाँ कह रही थी कि कंडीशनर की वजह से भी हेयर फॉल बहुत होता है। मैं बालों की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा हेयर फॉल हो रहा था। अभी जो जस्ट मेरा क्या कहते हैं, मेन पर्पज़ है हेयर फॉल को कंट्रोल करना। थोड़ी थोड़ी से मेरे फ्रिजी लगते हैं बाल, वो बाहर से लगते हैं, हाथ लगाने से एकदम स्मूथ सिल्की से फील होते हैं। चलो जी, तो मेरा मेन पर्पज़ है अभी जो है हेयर फॉल को कंट्रोल करना। तो वो मैं जो है आप लोगों से एक मंथ की जर्नी शेयर करूंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लगाती हूँ। सिंपली मैंने शैम्पू से वॉश किया है और ऑयलिंग की थी रात, और अभी जो है मैं सीरम लगाऊंगी, दैट्स इट। कंडीशनर, हेयर मास्क कुछ भी नहीं लगाया मैंने। मोबाइल का करते हैं थोड़ा सा जुगाड़, मैं आप लोग को दिखाऊँ सीरम में किस तरह से लगाती हूँ। ये मैं दो पार्टीशन बनाऊंगी। वैसे सीरम जो है अक्सर इसी तरह ही लगाते हैं, पर आई थॉट अगर आप लोगों को ना पता हो तो। अभी तक ऑयल की थोड़ी सी स्मेल आ रही है, क्योंकि जो है मैंने ज़्यादा ऑयलिंग की थी और स्ट्रेटनिंग ज़्यादा की थी, इस वजह से मुझे मैंने ना थोड़ी ओवर ऑयलिंग कर ली। ये देखिए मैंने इतना सा जस्ट सीरम लिया, एक पंप हाथ पे यूँ करूँगी एंड स्लोली पूरे बालों पे जो है अप्लाई कर लूँगी। चलिए जी, अब मैं कंडीशन भी करती हूँ और चलती हूँ। एंड दूसरी टिप, कंघी जो है आप लोग ये यूज़ करें, इससे क्या आपका हेयर फॉल थोड़ा कम होता है। क्योंकि ये देखें, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह से खुला खुला सा है, तो ये आपके बालों में कम अटकता है और आपके बालों में जो है वो हेयर फॉल थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और ये मुझे फ़ील हुआ है, फिर पता नहीं इसकी वजह से या ऑयल की वजह से, पर फील हुआ है मुझे। वेल, तो मैं ये कंघी यूज़ करती हूँ और ये आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगी, दाऊद से मिल जाएगी या फिर चेस से मिल जाएगी। जो है मैं कंडीशन भी करती हूँ, मैं जो है गीले बालों में ही कंघी करती हूँ, क्योंकि कंडीशन की कमी होती है मुझे बस। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों यार, क्या करूँ मैं अपने अपार्टमेंट के बच्चों का। चलो फिर मिलती हूँ। उसके बाद जो है मैं बैंक गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बैंक में काम था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वेट किया, फिर बात किया उनसे। वेल, मेरा मसला तो हल नहीं हुआ एज़ यूजुअल, बैंक वाले जिस तरह से टाल देते हैं। एंड देन मैं घर आ गई। यार मैं अभी बैंक से होकर आई हूँ, मेरा मसला तो हल नहीं हुआ। मेरी फर्स्ट जो है यूट्यूब की पेमेंट आ चुकी है, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। पर उसमें जो है आप ऐसा समझ लें कि 20% या 30% उन्होंने मेरी अमाउंट काट दिए इन HBL वालों ने। इसकी जो है डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर जो भी यहाँ पर यूट्यूबर है या यूट्यूब से अर्निंग करना चाहता है, तो उन्हें मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जो है HBL में अकाउंट ना खुलवाएं। अगर खुलवाया है तो यूट्यूब के लिए बिल्कुल भी ना ऐड करें, कोई और अकाउंट ऐड कर लें। अभी जो इसका एक्सपीरियंस मैं आपसे डिटेल में बाद में शेयर करूंगी। मैं खुश भी हूं कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई है, एंड मैं थोड़ा सा उदास भी हूं, क्योंकि 30% अमाउंट बहुत ज़्यादा है। मेरी मेहनत है, मेरी इतने मंथ्स की मेहनत है वो ही, पर 30-40% जैसे मैं तो इतना ही कहूँगी। जैसे अगर समझ लें मैंने 10,000 मेरी पेमेंट थी, तो उन लोगों ने मेरी 3-4,000 जो है काट ली, 3-3,000 काट लिए हैं। मतलब मेरी इतनी मंथ्स की मेहनत है, और आप लोगों ने इस तरह ही, अभी मैं होकर आई हूँ फिर भी मेरा मसला हल नहीं हुआ। वेल, ये डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी, छोड़ें बस, अभी बस इतना ही सही है। चलें अब कुछ खा पी लेती हूँ जल्दी से, बस बैंक गई थी कि मेरा मसला हल हो जाए, वो भी नहीं हुआ। और कुछ खा पी लेती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। बढ़िया नहीं, लंच अब ये लड़की 100 मरतबा अपनी वीडियो देखेगी। जाहिर सी बात है, काम है, पैसा खा रहा है तो काम भी तो करेगा। पैसा ही पैसा होगा। वीडियो दिखाएं। ये रीमा बिरयानी खाते हुए, ये इसका पार्सल आया है जो कि पता नहीं इसमें क्या है, बट आई एम एक्साइटेड, सरप्राइज है। और आप अपनी वीडियो दिखाएं। रुके, ये इसका कुछ पेंडिंग काम, और ये इसने मेरा पर्स उठाया है, ये बैंक गई थी कुछ काम से पर मेरा पर्स उठाया, जिसका उद्घाटन मैंने भी नहीं किया। और और ये वीडियो देखें इसकी, यार मजा नहीं आएगा यार, रुके क्या है यार।
नाइस, अच्छी आई है, बहुत प्यारी। Kindly share your dresses with your sisters. मैंने कमेंट किया है। किसने कमेंट किया? अगर आपको आए तो पहन लेना। और जिस मेरे को आ जाएगा। ये मैंने रात को 11 बजे से बनाना शुरू की थी, 2 बजे तक। मेहनत मेहनत 12 सेकंड की, देखा कितनी मेहनत है। मेहनत, इसने पूरी रात बैठ के ये वीडियो बनाई है। हमारा सर खाया है, हमें बोर किया है, लेकिन काम काम होता है। वही तो बता रही हूँ, काम काम होता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय। ये छोटी करने का तरीका देखिए, हमारी मामी प्यारी प्यारी बन के आएगी, है ना रामी? फिर दूसरा व्लॉग्स। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर रामी आई है और ये हमारे लिए चाय बना रही है, है ना रामी? ये दूसरी बार भी बनाएगी, ये दूसरी बार बना रही है। ये देखिए रामीन की कड़क कड़क चाय, और रामीन सबको हाय बोले। हाय, हेलो। तो ये रही हमारी शाम की चाय। तो जी इस बॉक्स में, आई मीन इस बॉक्स में मुझे ये बॉक्स मिला है, और उसमें ये तीन बैग्स हैं। अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। ये उन्होंने मुझे गलती से भेज दिया, ये मैं जो है चेंज करवाऊँगी। देन ये उन्होंने मुझे भेजा, कितना हसीन, और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। और उसके बाद माई फेवरेट दिस वन जस्ट लोकेटेड, ये कितना प्यारा है, और दिखने में ये कुछ इस तरह से बड़ा लग रहा है, पर बड़ा नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल छोटू सा है और बहुत हसीन सा बैग है। क्वालिटी इज़ रियली अमेजिंग। तो इनका पेज भी जो है मैं टैग कर दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। अच्छा और बड़ा बॉक्स है, इसको मैं यूज़फुल बनाऊँगी। इसमें देखो मैं क्या रखती हूँ। एंड ये अब ये फेक कराते हैं, इसका काम नहीं, और इसका भी कुछ ना कुछ करते हैं, अनबॉक्सिंग एंड ऑफ दैट। चलो भाई आपको फेंक के आते हैं। गाइस ये देखिए, मुझे इतनी रात को भूख लगी है, और आमना मेरी बहन मुझे रोटी बना के दे रही है। थैंक यू आमना। और ये वीडियो बनाने के लिए भी मैंने इसकी बड़ी मिन्नतें की है। क्यों आमना? यप, क्योंकि नेकी के काम ना छुप के जितना करो ना उतना अच्छा होता है। कुछ ज्यादा ही हो गया नेकी का काम, दरिया में फेंक। बस हमें कुछ ज्यादा झूठी है, ले ले ले। और गरीबों को सामान दो, और फोटोज वीडियोस दो, दिखाओ कि हमने ये नेकी की। वो नेकी का अल्लाह देखे ना, नेकी तो वो होती है ना। वाह, मैं अल्लाह को राजी करो, लोगों को नहीं राजी करो। बस हमने बस हो गया, ये मेरे गरीब मुझ गरीब के लिए बना के अल्लाह को राजी। मैं नेकी कर दी हूँ। हाँ, तो किसी का पेट ना भरना भी नेकी होता है, नेकी का काम होता है। ओके, और गाइस किसी का पेट भरना नेकी का काम होता है, तो नेकी का काम कर रही है बेचारी। और यहाँ पे ये हमारी आई सभी ने से हाई टू ऑल, हेलो। और बस ये अभी बन जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी बाल कुछ ज़्यादा ही हो गई है हमना, इस तरह से। एक्चुअली वो बैक कैमरा से मेरा कुछ अच्छा नहीं बनता, मैं नहीं पकड़ पाती इसकी, इस तरह से। ये ढूढ़ू जो है वो गैस की है। गाइज ये देखिए, हमने कुछ इस तरह से बना रही है। दिस इज कॉल्ड भूसरी, हमने शक्ल देखे, और ये थोड़ा टेस्ट करते हुए, और यहाँ से टेस्ट करना जरूरी है। यहाँ से तुम ले सकती, हाँ ना, वहाँ से ले सकती है। तुमने मेरी क्यों उठाई? मेरे पास थोड़ी बची है, मैं चाय में पीती हूँ। क्यों उठाई हमने? चाय में पीते नहीं है, चाय में पीते हैं, चाय में हम चाय में नहीं पीते, हम लोग इसमें पीते। अच्छा अब चीनी, हमने चीनी की जगह आपने ये डाला है तो बताए, क्योंकि मुझे ना डबल डबल मजा चाहिए। आए, आए, ओके, अब ये देखिए इसे फोल्ड करेगी हमने इस तरह से। चलो ये खुद ही अपने तरीके से लेकर आओ। गाइस अब आमना लड़कर आई है सबीना से, हेरा। अब ये देखिए हमने ये किस तरह गलत नहीं बनाया तुमने? नहीं, थोड़ा सा ना नीचे से फट जाएगा, पर नहीं फटेगा ना, देखना ना, नहीं फटेगा। अच्छा सभी ने आप क्या जिद्दोजहद कर रही हो? मैं देख रही हूँ कैसे बना रही है, ये आज तक मेरे को भी नहीं आई। तो वो शी इज अ शेफ, आई है आई नॉट अ शेफ। ओके गाइस मैं भी आनी चाहिए हूँ ना। और ये हमारी आमू, ये सबीना, और ये मैं। गाइज हम जो इसको है भूसरी कहते हैं, आप लोग बताना आप इसको क्या कहते हैं? मीठी रोटी। चले आप लोग फिर भी बताना आप लोग जो है इसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो। चलो हम ना बना ले, बाद में दिखाती हूँ। अब ये देखें कर्क कर्क
यमी यमी सा पराठा भाई आम ना शेक में रही हूँ गोल गोल अंदर जब तक जो मैं अपना खाना पक कर गर्मा गर्म रोटी मेरी सन ठंडी हो जाएगी। ये देखिए गाइस मेरा पराठा रेडी है एंड अब मैं निकालूंगी थोड़ी सब्जी। आज हमारे घर में बनी आलू की सब्जी। ये आलू का बोर्ड जो है इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की थी, अब सबको पता होगा। एंड ये हमारे घर में सबका फेवरेट, बहुत यम्मी बनता है। तो चलिए जी खाते हैं हमारी सब्जी। बहुत यम्मी है गाइस। ये देखें यमुना का पराठा, आई मीन यमुना की भुसरी। कुछ बताने चाहेंगे आप मीठी रोटी के बारे में? चलो आप खा लो। ये देखो इतनी यम्मी होती है। यम यम। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। अगर आप लोग को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।